हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखेंगे क्लास 10 का एक्सरसाइज नंबर देखेंगे 8.2 का क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। और ये क्वेश्चन एक हम बता रहे हैं, ये तो बुक में एक अक्ष ही दिया हुआ है, लेकिन हम आपको और देंगे ताकि उससे आपका डाउट क्लियर हो। अगर कोई भी डाउट है तो आप जरूर कमेंट कीजिएगा, हम उसका रिप्लाई करने का जरूर प्रयास करेंगे। चलिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए, इवेलुएट करना है साइन 60 × cos 30 प्लस साइन 30 × cos 60। इसका वैल्यू निकालना। तो दोस्तों, इसको बनाने से पहले मैं आपको बता दे रहे हैं कि साइन 60 का वैल्यू क्या होता है और कोस 30 का वैल्यू क्या होता है। तो अगर आपको याद है तो आप बता सकते हैं, साइन 60 का वैल्यू होता है √3/2, इसका √3/2, और कोस 30 का वैल्यू हो जाता है इसी का अपोजिट, यानी कि √3/2। ठीक है, अब प्लस साइन 30 का 1/2 होता है और कोस 60 का भी 1/2 होता है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये √3 और √3 हो जाएगा सिर्फ 3, और 2 जो हो जाएगा 4, प्लस यहाँ भी हो जाएगा 1 + 4। इसका एलसीएम ले लेंगे तो 4 आ जाएगा, 3 + 1, इसको हो जाएगा 4/4, यानी कि इसका आंसर 1। बहुत सिंपल है दोस्तों, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इसी प्रकार से एक और हम देंगे क्वेश्चन जो आपको बनाना होगा। ठीक है, तो ये चलिए इसका सेकेंड भी देख लेते हैं। तो सेकेंड का बताइए, 10 = 45 का वैल्यू कितना होता है। तो 10 = 45 का वैल्यू होता है 1, और ये 10 पर स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, प्लस कोस 30 का वैल्यू अभी बताए हैं कि कोस 30 का √3/2 होता है और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे, माइनस साइन 60 का होता है √3/2 और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर देंगे। इसको आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों सेम है और माइनस में, इसलिए इसको यहाँ से खत्म कर दीजिए। आपका आ जाएगा 2 × 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो फर्स्ट और सेकंड देख लिए, बोल दीजिए इस प्रकार से हम क्वेश्चन आपको दे रहे हैं, आपको बनाना होगा। जैसे क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन नंबर है, ये तो हो गया बुक का, और हम एक्स्ट्रा दे रहे हैं ताकि आपको इससे रिविजन हो जाए और कोई भी दिक्कत हो तो जरूर पूछिएगा। जैसे कि है साइन 60 × cos 30 माइनस कोस 60 × sin 30। यहाँ पर प्लस था, यहाँ पर कर दिए माइनस, तो अदम ऐसे ही रखिएगा, बिल्कुल बनेगा। चलिए एक और क्वेश्चन है, पहला हो गया। दूसरा क्वेश्चन आपके लिए है, दिया हुआ है कोस 45 × cos 30 प्लस साइन 45 × sin 30। ठीक है, तो इसको भी आपको वैल्यू करना है। क्या करना है कि कोस 45 का वैल्यू कितना है, तो कोस 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, इसका वैल्यू रखेगा, फिर कोस 30 का रखेगा, फिर इसका भी रख करके सॉल्व कीजिएगा, आंसर आ जाएगा। नहीं आएगा तो बताएगा, हम इसको बता देंगे।